साइड में जी हमारे प्रधान धर्मेंद्र जी से मैं चाहता हूँ, त्रिभुवन जी से चाहते हैं और मदन यादव जी जो प्रधानमंत्री दिला और गरुआ के हमारे प्रधान सोम यादव जी से मैं चाहता हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि जी का और संसद के अंदर मैं चाहता हूँ कि आपके पास ग्रुप आ गए माननीय सांसद जी को माला पहना करके स्वागत करने का। सिर्फ गरीबों पर, कमजोर लोगों पर ये सितम ढाया जा रहा, आप ये अत्याचार कर रहे हो। सरकार जब किसी की बन जाए, व्यक्ति जब कोई भी जीत जाए, तो क्या पराजित व्यक्ति का घर उजाड़ेगा? उस पर, उसके बहु बेटी पर झूठा आरोप और जुल्म ढाएगा? ऐसा हो रहा है अभी। हमार खैरियत तब तो के पता हो गए, कुछ बाकी निकलो छोड़ एक अरमान उनका पूरा नहीं हुआ। सब करने के बाद वो चाहते थे कि नतमस्तक हो जाएगा, डर जाएगा और झुक जाएगा। मैंने कहा मैं दूसरी मिट्टी का बनाऊ। मेरे पूर्वजों ने देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी। जब देश गुलाम था तब हमारे पूर्वज थे डॉक्टर एम ए अंसारी, जो 1926 और 27 में देश में जो चल रही थी क्रांति, उस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को दफ्तर खोजने पड़ते थे और दफ्तर के लिए जगह नहीं थी, तब मैं घर से कह सकता हूं कि दरियागंज की कोठी नंबर 1 दारुल सलाम नाम था उस कोठी का। डॉक्टर अंसारी ने अपनी कोठी की चाबी दे दिया था महात्मा गांधी को, कांग्रेस पार्टी का मरकजी कार्यालय खोल लो मेरी कोठी में। ये कोठी यातनाएं सही है, जेल गए हैं 12 लोग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, देश की आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते देश को आजाद करा लिए, तब देश की सीमाओं का रक्षा का सवाल आया। मेरे पूर्वज हैं, मैं गर्व से कह सकता हूं ब्रिगेडियर साहब, जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया तब राजा हरि सिंह कश्मीर का राजा दिल्ली आया और उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने सिलेंडर करके कहा कि मैं कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने को तैयार हूं, मुझसे हस्ताक्षर करा लीजिए, भारत की सेना भेज दीजिए, कश्मीर को बचा लीजिए। पहली सेना जो भारत की कश्मीर भेजी गई, उस सेना का नेतृत्व, उस सेना का कमांडर मेरे नाना ब्रिगेडियर उस्मान को बनाया गया, जिनके नेतृत्व में कश्मीर को। कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध हो रहा और मोहम्मद अली जिन्ना का प्रस्ताव आता है, ये ब्रिगेडियर उस्मान तुम पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर लो, मैं पाकिस्तान का पहला जनरल बना दूंगा। ब्रिगेडियर उस्मान ने ठोकर मार दी उनके प्रस्ताव पर कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ और मर करके भी हिंदुस्तान में दफन होना पसंद करूंगा, मैं इस वतन को बचा। ऐसी स्थिति में जब पूर्वजों ने परीक्षा दी और परीक्षा बातों की नहीं, लड़ाई हुई झांगर घाटी पर, पाकिस्तान का कब्जा हो चुका था, वापस जीता है उनकी पलटन ने हिंदुस्तान के लिए झांगर घाटी को, वापस जीता है नौशेरा घाटी को जो आज भी हिंदुस्तान का अंग है। और इस लड़ाई में 3 जुलाई 1948 को मेरे पूर्वज उसी नौशेरा बॉर्डर पर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करते हुए मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दिए। मरने के बाद उन्हें वीरता के लिए महावीर चक्र मिला। हम उस परिवार के बल पर, हमारे रगों में उन्हीं पूर्वजों का खून है। हम अत्याचार, जुल्म और गलत से डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। आप करो सितम, आपने ऐसा बना दिया अखबार और टीवी को मिला के जैसे हम लोग कहां के आतंकवादी हैं, कहां के लुटेरे हैं, कहां के दंगाई हैं, कहां के फसादी हैं। कारण सिर्फ ये है कि कॉमरेड सरजू पांडे जो गाजीपुर से 2 बार और घोसी सीट से 2 बार 4 बार संसद सदस्य रहे, वही मेरे गुरु थे। मैं उन्हीं का शिष्य हूं। शिक्षा पूरी किया 76 में डिग्री कॉलेज से एमए करने के बाद और 1978 में कॉमरेड सरजू पांडे के शिष्य की हैसियत से मैंने समाज सेवा में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। समाज में दबे कुचले लोगों पर जब कोई अत्याचार होता था और सताए हुए लोग आ जाते थे,
मेरा वो घर जिसे फाटक के नाम से लोग जानते हैं वो मेरा घर नहीं है, मेरे उन्हीं पूर्वजों का घर है। जब देश गुलाम था तो उन दिनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वो पनागाह था, सरयू पांडे उसमें आगे बना हुआ। घर को बुलडोजर से गिराया जाता है, स्कूल जो डॉक्टर एम ए अंसारी के नाम से है उसको बुलडोजर से गिरा दिया गया, अस्पताल गिरा दिया गया, मेरे घर की महिलाओं को जेल में डाल दिया गया, मेरे बच्चे जेल में बंद है, मेरा भाई जेल में बंद है, मुझे मुकदमे में झूठा फंसा करके सजा करा के जेल में डाला गया। जनता के मतों से निर्वाचित इस जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त कर दी गई, हमें जेल में चटाई पर सोने के लिए मजबूर कर दिया गया। हर बार यही परीक्षा ली गई, हर बार यही संदेश भेजा गया, खैरियत पूछ लो क्या मिजाज है, अगर नरम पड़ जाए तो उनको भी वॉशिंग मशीन में धुल करके हम लोग गंगा जल से नहवा देंगे और जो कहेंगे वो पुरस्कार भी दे देंगे। मैंने अपना रास्ता नहीं बदला, मैंने अपना रास्ता जिंदाबाद, मैंने उनके सामने झुकने के बजाय मर जाना स्वीकार किया, हर यातनाएं सह लिया और एक दिन इन्हीं गरीबों की दुआओं का असर था, फंदे में बंद था, फंदा खुल गया, फंदा छूट गया, मैं सुप्रीम कोर्ट गया, संविधान मानता हूं, कानून मानता हूं, कानून के रास्ते से हाई कोर्ट गया, जमानत हो गई, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा का आदेश था उस पर जब बहस हुई तो उसको देखने के बाद फेंक दिया और कहा कि अफजाल अंसारी की सजा के आदेश को उसके अपील के निस्तारण तक के लिए सस्पेंड किया जाता है, इसे दरकिनार किया जाता है, उसकी सदस्यता बहाल की जाती है, उसकी अयोग्यता समाप्त हो जाती है। अब गरीब का दुआ और सुप्रीम कोर्ट का इंसाफ हमको फिर चुनाव लड़ने योग्य बना दिया, पदों पर बैठा दिया। अब जब आ गई तब तो फैसला, अगला फैसला जनता की अदालत में होना। अब अभी तक ट्रेनों का मालिक लोगों का जो फैसला करत रहा लोग, अब जनता के फैसले की बारी आई। और माननीय अखिलेश यादव का आभारी हूं, ऋणी हूं, इस विकट परिस्थिति में कहा जाता है कि दोस्त और दुश्मन की पहचान संकट काल में ही होती है। कौन हाथ छोड़ा लेता है, कौन चेहरा छुपा लेता है और कौन हमदर्दी का हाथ कंधे पर रख लेता है। उन्होंने हमदर्दी का हाथ मेरे कंधे पर रखा, अपनी सूची में गाजीपुर से लोकसभा के उम्मीदवार का नाम अफजाल अंसारी का नाम लिख करके उन्होंने भेज दिया अपनी पार्टी में। मैंने स्वागत किया उनके घर पर और कहा कि आपने भरोसा किया है हमारे ऊपर, हम इस भरोसे पर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। मैं आपके बीच में आया हूँ, आपका बेटा हूँ, आप ही के बीच में पैदा हुआ, पला बढ़ा खेला कूदा, राजनीति जुल्म और अत्याचार करने वालों के विरुद्ध संघर्ष भी किया और आज जिस स्थिति में हूं आपके सामने, जितना सितम ढाया गया है कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आत्महत्या कर लेता, लेकिन दूसरी मिट्टी का बना। मरना कबूल है, जालिमों को तस्लीम करना कबूल है। मैं झुक जाऊंगा तो गाजीपुर की चार सौ पार। कल अखिलेश यादव जी इंटरव्यू दे रहे थे, कई वो पत्रकार पूछ दे रहा था अखिलेश जी तो भाजपा वाले अपनी बार 400 पार, वो कहे आपको कैसे पता, कहे कि वो नारा दे रहे, तो कहे कि वो तो नारा दे रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, आपने ठीक से सुना नहीं है, ये 400 के पार नहीं, वो कह रहे कि 400 सीट पर हार। कैसे कहा कि ऐसे कि 400 का सीटियो लिखे निकले, 195 का सूची है, वही आई कितना का सूची आई बा भाजपा 195 कि 400 हार, वो कह तो सोने लोगों के बदल के कह तो 400 के पास।
साथियों, उत्तर प्रदेश में 51 की सूची आई है, देखला है ना? गाजीपुर का नाम बाब में गाजीपुर का नाम नहीं, 80 में 80 होगा गाजीपुर, 80 में 80 जीतने का दावा अपने उत्तर प्रदेश में। हम उत्तर प्रदेश में 80 में 80 जीतेंगे। अच्छा भैया, तब सूचियां तो कम से कम अस्सी को देगा। गाजीपुर का सूची नहीं है। अब गाजीपुर जिला का दू गो क्षेत्रवा जो जहूराबाद और मोहम्मदाबाद जहाँ हमारे घरवा बा, बलिया में पड़ेगा, बहरिया फेफना बलिया और मोहम्मदाबाद जहूराबाद ही मिलकर एक लोकसभा बा, उनका नाम हुआ बलिया। वहां का सूची नहीं है ना? है ना, ना, ना। अब घोसी मऊ ओह का सीट नहीं है, बटैया दिया गए बटैया यो खातिर खोजा था कि बाघ सिंह के लिए आ जाओ कि बाघ सिंघा सिंह के लिए आ जाओ के लिए खोजा था कि नहीं खोजा था? खोजा था, खोजा था। लोग तो आ जाए के ना खोज पाइए लोग कहो बटैये दिया जी। कहे की सपना रहा कि अब तो ऊपर चवे ना भर पाई, जब ऊपर चा ना भरी तो केहू गई तो रेल दिया जाए। संकल्प रहा लोग चंदौलियों तो गठबंधन जीतल रहे, लेकिन इंसान पे रेल के योजना हमने कर जीत गई। भाजपा ने बेईमानी करके जीता था चंदौली जी। सनातन पांडे भी जीत गए थे बलिया में, वो गठबंधन कर रहा हूँ, लेकिन टाइम ने बेईमानी करके उनके भगा करके अब वहां जीत गए 500,000 से जोड़ा थोड़ा सौ कुछ मछली शहर जो जौनपुर बनारस के बीच वाली सीट है, त्रिभुवन राम गठबंधन का कैंडिडेट वहां जीत गया था। ओके गणना में हेरा फेरी करके 180 वोट से 184 वोट से हरा दिए, लोकसभा 184 वोट से हरा दिए। गाजीपुर में ना दौड़े मिले रहो तो होश भर हार मान लो तो बोला जा। मंडी समिति में रातों रात 50,000 नौजवान गाजीपुर के जब ईवीएम मशीन की रक्षा के लिए पहुंच गए, तब ना इन्हन का मनसूबा पस्त हुए, यही से भर के ना सो रहियो सो तई लोकतंत्र का रक्षा खातिर खड़ा हो जाए। गरीब के अंदर भी हिम्मत आ जाएगी, गरीब भी गोलिया जाएगा। अब बतिया पहुंचो की अच्छा कोनो बात नहीं है, वो बेर सपा बसपा दोनों से न रहा तब न जीत अपने से अपना के जोश दे रहा तो बसपा हल्का दिया नहीं है गठबंधन घबरा देना इतिहास पढ़े के बाद अब बतैली हम कि 2004 में यही जगह गाजीपुर से अभियान लड़ल रहो, सिन्हा जी सिटिंग एमपी थे जी। और उमा शंकर भैया बसपा से थे, इनका रोट रहे 1,85,000 और सिन्हा जी का 3,000 बेसी रह गए खाली से 1,88,000 और अफजान अंसारी का खाता में रहुए 4,17,000 ना तो चकमा जी हाँ सो अभी घूम घूम के चौरावन के। आप लोग इस लड़ाई की गंभीरता को समझिएगा, आम जनता देश भर की जनता गाजीपुर ना देश भर की जनता ये मान चुकी है कि ये झूठ बोलने वाले लोग और झूठ का प्रचार करने वाले ये मीडिया जो गोदी मीडिया कहा जा रहा है, ये गोदी मीडिया वाले या गोदी मीडिया सामने उन्होंने रख दे गाजर का हलवा तो सिद्ध कर दिए उनको कि गोबर एक जो गोबर दिया के धो दे तो कहियो तो ये देसी घी में बघारल गाजर का हलवा होता कि नहीं हो तो ये अपने झूठ के आडंबर में जनता को हेप्नेटाइज कर रहे हैं। रोजगार दिया जाए भैया 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया जाए, अब वही एक हफ्ता पहलवा भर्ती कर ले जा सीट कब रहे 60 लाख नौजवान पुलिस में भर्ती होके खातिर 400-400 रुपया का फार्म किन ले रहो कि ना किन ले रहो तरी घरवा जाके एगो कापी पे लिखी है 400 आ घूड़ा कर दी है 60 लाख इतना जीरो आई बराबर कैला का बाद भी काफी भर गया अरबों खरबों रुपया लूट लिया सबों ने
यहाँ बड़े चिकने खड़े की तरह लोग बेहया है कह देने लोग की परचवे लीक हो गए परीक्षवे कहीं से अब हंगामा हुआ है पूरे प्रदेश में कि झूठा नौ बेर तो उनका परीक्षवे लीक हो गई यह साजिश है तब वो पे वो कैप्सूल देखो तो संतोषा माइसिन संतोषा माइसिन का एगो कैप्सूल भाई उनका पास तो दे दिया तो सर्दी जुकाम बुखार पुरान इतिहास पुल बुरा तो संतोषा माइसिन का कैप्सूल जोगी दिन दे रहा हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा हूँ कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई बात चुनाव का बाद याद रहो चुनाव बाद फिर 400 रुपया फिर 500 कर दिए तो 600 कर दिए नौकरी नहीं मिल रहा है रिजर्वेशन खत्म कर दिया इन्होंने संविधान में व्यवस्था हुआ करे 10 वर्ष में बता दीजिए हर दूसरा साल भर्ती होती थी गाजीपुर की सेना की भर्ती होती थी जी। ये जवानों का गांव है सरहद पे मरने मिटने वालों का गांव ये शहर है ये जिला है पहचाना जाता है देश में पहली युद्ध से लेके कारगिल का युद्ध तक आज जितना झड़प होला गाजीपुर का कोनो न कोनो लालू हस रहे भर्ती होता देख लिया कर चुका हो भर्ती भैल 10 वर्ष में मोदी जी अना जब से राजनाथ सिंह अना रक्षा मंत्री हमें और एगो नौटंकी कैला जब सेना में ऐसा बात नहीं किया हमको नौकरी दिया जाए कैसे देव जब भैया सिपाही उपाही ना भर्ती कर जाए का करवा जा अग्निवीर अग्निवीर का होला भैया अग्निवीर जना तक उत्तर कसबा में वो बोला होत रहोगे वो में मोटरसाइकिल ना चलाओ जी जी अग्निवीर का मतलब हमने तो सोची था कि जना तक का भर्ती करियो तो भाई आपके बेटे को किसान के बेटे को गांव के बेटे को अग्निवीर के नाम पर 4 साल का नौकरी न पेंशन न भविष्य निधि 1.5 वर्ष ट्रेनिंग और चलो लद्दाख में खड़ा हो जा बेटा गोली मार उसके आत्मा को बल मिलेगा जब उसको याद आएगी अपने बूढ़े माँ बाप की जो घर पे है बीमार है हम मरा गई तो उनके दवाई के दी हमारे बाल बच्चन का भविष्य कहाँ हुई जिनको पेंशन मिलती थी उनकी पेंशन बंद और जितने सरकारी कर्मचारी की कार रो रहे हो मुंह से कहो चाहे मत कहो डरन पेंशन मिला था पेंशन बंद नौकरी मिला था नौकरी बंद कहा बहस तो किसान हमको दे थे कहा दे तो यूक्रेन में हम उनका भर्ती दे थे जाके जाए शर्म नहीं आती कि उत्तर प्रदेश का जवान निराश हो चुका है उत्तर प्रदेश के व्यवस्था से और इसराइल जा रहा जहां रोज बम्बार्डमेंट हो रहा उसे पूछा कि ये भैया घरवा निके के हो ना भैया घरवा सब बाबू बीमार बना लेकिन देखल नहीं खे सब जान बच जाए तो 2 पैसा कमा के भेज मर जाए तो संतोष हो जाए जब हम हये नहीं देखा उस मुकाम पर पहुंचा दिया ये लोग कहने वाले थे एक बेर मौका दे दे बजा कहे कांग्रेसी सरकार में 400 का सिलेंडर बेचे लो 58 रुपया का डीजल बेचे थे 62-64 रुपया का पेट्रोल बिका था हमने के दर्जे 50 रुपए का नीचे डॉलरों पर दिया जाए पेट्रोल और डीजल पर दिया जाए हो गए भाई भरने में पेट्रोल कम नहीं के 50 रुपया बाद की 52 रुपया 100 पेट्रोल 100 रुपया 100 रुपया डीजल 90 रुपया सिलेंडर 1100 रुपया हर चीज में धोखा हर चीज में ठगई हर चीज में बेईमानी इतना महंगाई कभी नहीं थी तख्त बदल दो ताज बदल दो बेईमान